हेलो एवरीवन, मेरा नाम है धनंजय और आज की इस वीडियो में लेट्स सी कि लास्ट वीक क्रिप्टो दुनिया में क्या क्या हुआ। न्यूज वन, डॉग विद फैट बिकम्स द थर्ड लार्जेस्ट मीम कॉइन एज बिटकॉइन क्लिंग्स टू 70,000 डॉलर्स। सोलाना बेस्ड मीम कॉइन डॉग विद फैट बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट मीम कॉइन बाय मार्केट कैप सरपासिंग पेपल। मार्च 30th को डॉग विद फैट ने अपना ऑल टाइम हाई प्राइस $4.64 टच किया। 87% वीकली रैली के साथ डॉग विद फैट का मार्केट कैप $4.3 बिलियन पर, वहीं पेपे का $3.4 बिलियन। विफ अभी 31st लार्जेस्ट क्रिप्टो बाय मार्केट कैप बन चुका है और इंटरेस्टिंग न्यूज तो ये है कि इस टोकन के इतने ऊपर जाने के बाद भी इसका लार्जेस्ट होल्डर अभी भी से होल्ड किया हुआ है। ये वॉलेट अभी टोटल $139.5 मिलियन वर्थ ऑफ विफ टोकन होल्ड करता है, जिसे उसने $0.32 की एवरेज प्राइस पर बाय किया। कॉइनचार्ट्स के अकॉर्डिंग अभी इस वॉलेट का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट $127.3 मिलियन पर है। न्यूज टू, सैम बैंकमैन-फ्रीड सेंटेंस टू 25 ईयर्स इन प्रिजन। वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज फ्रॉम लास्ट वीक, FTX के फॉर्मर CEO सैम बैंकमैन-फ्रीड को 25 ईयर्स की जेल का सेंटेंस सुनाया गया। मार्च 28th को जज लुइस कैपलन ऑफ यूनाइटेड स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क ने सैम बैंकमैन को 260 मंथ्स एंड 60 मंथ्स की सजा सुनाई, जो कि टोटल 25 ईयर्स होते हैं। सैम बैंकमैन पर 7 फेलनी चार्जेस थे। आपको याद दिला दूं कि 2022 में FTX क्रिप्टो एक्सचेंज कोलैप्स हो गया था और उसका रीजन था यूजर्स के फंड ना होना, जिसके बाद एलामेडा रिसर्च और FTX के फाउंडर्स को अरेस्ट किया गया था। न्यूज 3, विटालिक ब्यूटरिन शेयर्स द नेक्स्ट स्टेप फॉर इथेरियम पर्च। इथेरियम के को-फाउंडर विटालिक ब्यूटरिन ने इथेरियम पर्च की नेक्स्ट स्टेप शेयर करी। पर्च प्रोटोकॉल सिंप्लीफिकेशन एंड नोड रिसोर्स लोड डिक्रीज को कहा जाता है। पर्च इथेरियम के ट्रांजेक्शन में एक की स्टेज है जो ओल्ड और एक्सेस नेटवर्क हिस्ट्री को रिमूव करता है और नेटवर्क को ओवर टाइम सिंप्लीफाई करता है। असाइड फ्रॉम रिड्यूसिंग हिस्टोरिकल डेटा स्टोरेज, दिस स्टेज ऑल्सो सिग्निफिकेंटली लोअर्स द हार्ड डिस्क रिक्वायरमेंट फॉर नोड ऑपरेटर्स एंड द टेक्निकल डेट ऑफ द इथेरियम प्रोटोकॉल। ब्यूटरिन नोटेड दैट इंट्रोड्यूसिंग द इथेरियम इंप्रूवमेंट प्रपोजल EIP 6780 during the Dankon hard fork eliminated most of the self-destruct code functions, which simplified the protocol by removing complexity and adding new security guarantees. News 4, Fidelity files S1 application with US SEC for spot ETH ETF with staking. Asset management giant Fidelity ne March 27th ko United States SEC ko S1 application file to create a spot Ether ETF. Ye ETF Fidelity ko apne hold kiye hue ETH ko stake karne ka option dega. Fidelity का ये ETF CBOY BZX Exchange पर ट्रेड हो। Fidelity Digital Asset Services, which is affiliated with sponsor FD Funds Management, would serve as custodian of the trust ETH. According to the S1, the trust intends to establish a program to stake a portion of the trust assets through one or more staking infrastructure providers. That decision entails additional risk, the application noted. There would be a risk of loss, including in the form of slashing penalties and liquidity risk while the stake is being processed. In addition, staking rewards would be treated as income for the fund for tax purposes. As a result of which, investors will experience a taxable event without an associated distribution from the trust. चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं last week के top gainers और losers पर भी। Top gainers थे the core with a 105% surge, Dogwifed with an 80% surge and Bitcoin Cash with a 48% surge. वहीं top losers रहे KuCoin token with a 20% drop, Phantom with a 14% drop and Bitensor with an 11% drop. तो ये थी last week की कुछ top crypto news जो आपको market के बारे में काफी कुछ बताती है। ऐसी weekly crypto news के लिए subscribe करें CoinEx. Thank you.